नॉर्थ कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में रविवार को सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ हुई मुठभेड़ में प्रतिबंधित संगठन लश्कर ए तैयबा के एक डिप्टी कमांडर सहित 3 आतंकवादी मारे गए। ये जानकारी पुलिस ने दी है। अधिकारियों के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों की पहचान आरिफ अहमद हजार उर्फ रेहान लश्कर ए तैयबा के टॉप कमांडर बासित का डिप्टी, अबू हुजैफा उर्फ हक्कानी पाकिस्तानी आतंकवादी और श्रीनगर के खानियार निवासी नतीश वानी उर्फ हैदर के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक साउथ कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के पाहू इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की स्पेसिफिक इनपुट मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने वहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन के दौरान वहां छिपे आतंकवादियों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी जवाबी कार्रवाई की जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए और उनके शव एनकाउंटर साइट से बरामद कर लिए गए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मारे गए सभी आतंकवादी कई वारदातों में शामिल ग्रुपों का हिस्सा थे जिनमें पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेज पर हुए हमले और नागरिकों पर किए गए अत्याचार शामिल हैं। आरिफ अहमद हजार इनमें से एक कैटेगराइज मिलिटेंट था जो मार्च 2021 से एक्टिव था और उसके खिलाफ श्रीनगर शहर में कई मामले दर्ज किए गए थे। आरिफ अहमद हजार जून 2021 में मेगनवारी नौगाम में एक मस्जिद के सामने इंस्पेक्टर परवेज और सितंबर 2021 में खानियार पुलिस स्टेशन के पास सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद मीर सहित कई पुलिस अधिकारियों और नागरिकों की हत्या में शामिल था। वह सफा कदल में एक पुलिस गश्ती पार्टी और रैनावाड़ी में ज्वाइंट नाका पार्टी पर ग्रेनेड हमले में भी संलिप्त था। आरिफ अहमद हजार अपने साथियों के साथ श्रीनगर के नौगाम में भाजपा नेता के आवास पर हुए हमले में भी शामिल था। इस आतंकवादी हमले में पुलिसकर्मी रमीज रजा शहीद हो गया था और उसकी सर्विस राइफल भी छीन ली गई थी। इसके अलावा आरिफ अहमद हजार 22 अप्रैल को नौगाम के सूसू कला इलाके में 2 प्रवासी मजदूरों पर हुए हमले में भी शामिल था। एनकाउंटर साइट से आपत्तिजनक सामग्री हथियार व गोला बारूद बरामद किया गया है और सभी बरामद सामग्री को आगे की जांच के लिए रिकॉर्ड में ले लिया गया है। बाद में श्रीनगर पुलिस ने कहा कि श्रीनगर के खानियार का एक टीनेजर हैदर जो एक सप्ताह पहले आतंकवादी ग्रुप में शामिल हुआ था 2 अन्य आतंकवादियों के साथ पुलवामा में एक मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस ने ट्वीट किया, एक्टिव आतंकवादी अपने छिपे मकसदों की पूर्ति के लिए भोले भाले युवाओं का शोषण करते हैं। युवाओं के इस तरह के पागलपन से परिवारों का विनाश होता है और कुछ नहीं। इस बीच IGP कश्मीर विजय कुमार ने ऑपरेशन को एक बड़ी कामयाबी करार दिया। उन्होंने नागरिकों को किसी तरह के नुकसान के बिना पेशेवर तरीके से एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चलाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज को बधाई दी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों में 4 पाकिस्तानी आतंकवादियों समेत 11 आतंकवादियों का सफाया किया गया है। इससे पहले 23 अप्रैल को कुलगाम में जैश के 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया था। 22 अप्रैल को जम्मू के सुजुआ इलाके में 2 पाकिस्तानी फिदायनों को मार गिराया गया था। 21 अप्रैल को बारामूला जिले में हुई मुठभेड़ में लश्कर सरगना यूसुफ कांट्रू समेत 4 दहशतगर्दों को मार गिराया गया था। कांट्रू पर कई हमले और नागरिकों की हत्या के मुकदमे दर्ज थे। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।